गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। वेल गाइज आज होने वाला है अनबॉक्सिंग ब्लूटूथ ईयरफोन्स का। ये है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी एंड इन माय ओपिनियन आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 2000 प्राइस सेगमेंट, बिकॉज ये ऐसे कुछ एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है जो इसके कॉम्पिटिटर से बाकी रियलमी नेक बैंड ले लो या फिर मी नेक बैंड, ये सारे ईयरफोन्स जो है वो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। वेल आज के इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाले इस ईयरफोन्स के बारे में, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग दैट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी प्राइस की बात करें सो इसकी प्राइस है 2000 रुपीज़ और ये आपको चार कलर ऑप्शंस में मिलता है, बट आई पर्सनली लाइक ब्लू सो मेरे पास है ये ब्लू कलर वेरिएंट में। एंड यू कैन बाय दिस ईयरफोन्स फ्रॉम अमेजोन और इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वेल लेट्स स्टार्ट विद बॉक्स कॉन्टेंट। सो ये है बॉक्स वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी का एंड बॉक्स के फ्रंट में आपको ईयरफोन्स का फोटो देखने को मिलता है। ऑन द बैक साइड ईयरफोन्स के कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वेल बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ईयर टिप्स, टाइप सी केबल टू चार्ज दिस ईयरफोन्स, यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। बिल्ड क्वालिटी की बात करें सो लाइक यू सी ये आता है नेक बैंड स्टाइल में, दो इट हैज अ प्लास्टिक मटेरियल बट स्टिल ये एक प्रीमियम लुक देता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यू कैन ईजिली कैरी इट इन योर पॉकेट। ये बहुत ही लाइट वेट है, इसका वेट जो है वो है सिर्फ 29 ग्राम्स। ऑब्वियसली डिजाइन बहुत प्रीमियम है, लुक वाइज ईयरफोन्स काफी सही है, लेकिन एक ईयरफोन के लिए इसका कंफर्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको कंटिन्यूसली पहनने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इस ईयर टिप्स को आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है कि ईयर्स में काफ़ी कंफर्टेबली ये फिट हो जाता है। इसके साथ आपको रबराइज्ड केबल मिलती है, IP55 की रेटिंग के साथ आता है ये ईयरफोन। सो कोई टेंशन नहीं अगर ये ईयरफोन भीग जाता है तो भी, बट कीप वन थिंग इन माइंड दैट दिस ईयरफोन्स आर वाटर रेजिस्टेंस नॉट वाटर प्रूफ। वेल बटन्स एंड पोर्ट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर है चार्जिंग पोर्ट, वन प्लस की ब्रांडिंग, क्विक स्विच बटन। वेल ये फीचर मेरा फेवरेट है, लेट मी एक्सप्लेन। ये क्विक स्विच बटन है, वेल इससे क्या होगा अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है सो आप इजीली स्विच कर पाओगे दोनों डिवाइसेस में। सिंपली बटन को आपने डबल प्रेस करना होगा। सो ये फीचर इसका जो कॉम्पिटिशन है वो ईयरफोन्स प्रोवाइड नहीं करता है एंड मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है, बिकॉज अगर आप मल्टीपल डिवाइस यूज़ करते हो, आपके पास टैबलेट एंड स्मार्टफोन है या फिर स्मार्टफोन एंड लैपटॉप के साथ आप यूज़ करते हो ब्लूटूथ ईयरफोन्स को, सो आपको मैन्युअली ब्लूटूथ को ऑफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस बटन से ही आप जो है वो क्विक स्विच कर पाओगे आपके दोनों डिवाइसेस के बीच में। एंड हाँ, न्यू डिवाइसेस को पेयर करने के लिए यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन फॉर 3 सेकेंड्स। नीचे की तरफ वॉल्यूम बटन मिलता है, वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए एंड म्यूजिक कंट्रोल के लिए बीच में मल्टी फंक्शन बटन दिया है, डबल प्रेस फॉर नेक्स्ट सॉन्ग एंड ट्रिपल प्रेस फॉर प्रीवियस सॉन्ग। एंड हाँ गाइस, कभी कोई प्रॉब्लम आए इस ईयरफोन्स में सो रिसेट करने के लिए यू जस्ट हैव टू प्रेस वॉल्यूम प्लस एंड माइनस बटन्स टुगेदर फॉर 3 सेकेंड्स एंड उसके बाद ये ईयरफोन जो है वो रिसेट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये ईयरफोन्स आते हैं मैग्नेटिक ऑन ऑफ फंक्शनैलिटी के साथ, व्हिच इज अगेन वेरी कन्वीनियंट एंड बैटरी सेवर। बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग इज रियली इनसेन। कंपनी ने क्लेम किया है इसको 10 मिनट चार्ज करने के बाद ये आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा एंड सही में बुलेट वायरलेस जी ऑफर्स इनसेन बैटरी लाइफ। सिंगल चार्ज में ये ऑलमोस्ट 20 आवर्स का बैकअप देता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपने बार बार चार्ज करने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी। वेल इसको मैंने वॉप 30T चार्जर से चार्ज किया था, सो 0 to 100 ये जस्ट 22 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो गया था।
एंड वाइल चार्जिंग यहाँ पर आपको रेड लाइट शो करता है ये, एंड जब फुल्ली चार्ज हो जाता है ईयरफोन तो यहाँ पर आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन मिलता है ब्लूटूथ 5.0, जिसके साथ आपको 10 मीटर की रेंज में इस डिवाइस के साथ काफ़ी सही कनेक्टिविटी देखने को मिलेंगी। उसके बाद से आपको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन जैसा फील होने लगेगा, बट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस बाकी अदर डिवाइस में जो यूज़ करती हूँ ब्लूटूथ ईयरफोन्स, इसके कंपैरिजन में इसके साथ मुझे काफ़ी सही यहाँ पर एक्सपीरियंस मिला है। मतलब मैं अगर स्विच करूँ एक रूम से दूसरे रूम में, सो मुझे कोई भी यहाँ पर इसका कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा। म्यूज़िक जो है वो कंटिन्यूसली प्ले होता ही रहा। और हाँ, ये ईयरफोन्स और एक एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है, बट स्पेसिफिकली फॉर वन प्लस डिवाइसेस। आपके पास है वन प्लस स्मार्टफोन एंड आप गेमिंग वगैरह भी करते हो, सो आई थिंक यू शुड बाय दिस ईयरफोन्स, बिकॉज वाइल गेमिंग इट offers low latency, so no lag while gaming. वाकई में इस ईयरफोन से गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही मिलता है, लेटेंसी काफ़ी कम है, सो यहाँ पर आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप गेम्स खेलते हो और आपके पास वन प्लस का स्मार्टफोन है, सो आपको डेफिनेटली इस ईयरफोन को परचेज करना चाहिए। वेल, लास्ट में बात करते हैं साउंड एक्सपीरियंस की। ट्रस्ट में गाइज, एज पर माई चॉइस मुझे इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच लगी। वोकल्स आर क्लियर, बीट्स वगैरह भी सही है। इसके अंदर आपको मिलता है 9.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर्स, सो बेस आपको काफी सही मिलता है इस ईयरफोन के अंदर। सो ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज सुपर्ब एंड ये कम्प्लीटली एम्बियंट नॉइज को जो है वो ब्लॉक कर देता है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको साउंड एक्सपीरियंस इसके अंदर बहुत ही सही मिलने वाला है। एंड कॉलिंग के मामले में भी ये ईयरफोन मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि कॉलिंग के टाइम में भी आपको जो एम्बियंट नॉइज है वो भी सुनाई नहीं देता, एंड नॉइज कैंसलेशन इसका काफ़ी सही है। सो आपको कॉलिंग के टाइम में भी मेरे ख्याल से इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो आई थिंक आप अगर ब्लूटूथ ईयरफोन सर्च कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको ये ईयरफोन परचेस कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये ईयरफोन वाकई में बहुत सही है। इसके अंदर आपको बैटरी लाइफ बहुत सही मिलती है, साउंड क्वालिटी काफ़ी सही है, नॉइज कैंसलेशन इसका अच्छा है, एंड क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है विद टाइप सी केबल, सो आपको अलग से कोई केबल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पर आपको बहुत ही सीमलेस कनेक्टिविटी का भी एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक स्विच बटन का। सो मेरे ख्याल से ये ईयरफोन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आप ईयरफोन खरीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस ईयरफोन को परचेस कर सकते हो। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे होम।